और एक जो महत्वपूर्ण बात, कभी कभी क्या होता है कि दो व्यक्ति मिलते हैं, उनमें मित्रता होती है, रिश्ते भी बनते हैं, तो परमात्मा जब दोनों को करीब लाता है तो उनमें, क्योंकि अलग अलग उनके प्रारब्ध होते हैं, अलग अलग पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, तो ईश्वर फिर कृपा करके उनको उनके जो प्रारब्ध कर्म हैं जल्दी ये भोग ले, ऐसा कुछ प्रयास करता है। और उस स्थिति में एक दूसरे सहायक भी होते हैं, और कभी कभी हम पहचान नहीं पाते हैं, और एक संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। लेकिन ये भी परमात्मा के एक रहस्यमय लीला है, वो जल्दी हमारे प्रारब्ध खत्म करा के, जो भी हमारे को कष्ट वगैरह हो रहा है, तो वो, और प्रारब्धों का जो भोग होता है एकदम बढ़ता है। कर्म हमारे ही होते हैं, पूर्व जन्मों के या इसी जन्म के, लेकिन जब बहुत तीव्रता से उपलब्ध होते हैं तो आदमी एकदम विचलित हो जाता है कभी कभी, और जीवन से भागने लगता है। बहुत से लोग तो आत्महत्या के प्रयास तक कर लेते हैं, आत्महत्या कर भी लेते हैं। तो ये स्थिति बहुत ही नाजुक होती है, इसमें आप स्टेबल रहें, स्थिर रहें, और जो भी आपका इष्ट हो, परमात्मा हो, उसकी डोर को पकड़े रहें, और ये स्थिति बहुत जल्द गुजर जाती है, और इसके बाद एक बहुत ही शांत और बहुत ही उत्साहित और बहुत ही अच्छा समय जीवन में उपस्थित होता है। ऐसा लगता है नया ही सूर्योदय हो गया हो, ये ऐसा होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें, किसी के माध्यम से हमारे प्रारब्ध का भुगतान हो रहा है, उसके भी प्रारब्ध कट रहे हैं, दोनों के जीवन में तूफान जैसी स्थिति भी आ सकती है, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध कट रहे हैं, उस समय हम हमारे जो पूर्व कर्म हैं उनको भोग रहे हैं, उस समय विचलित नहीं होने का, स्थिर रह जाइए बस। तो फिर बहुत ही प्यारा समय होता है, ये जीवन में घटती है ऐसी घटनाएं, और ये संसार में सब जगह ऐसा होता है। तो इस आध्यात्मिक प्रयोग को, इसको पहचाने, और सब मस्त रहें, व्यस्त रहें। हर हर महादेव। और कभी कभी जब प्रारब्धों का भुगतान बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से हम भोगते हैं, तो मन विचलित हो जाता है, और जो हमारे हितकारक हों, जो हमारे अच्छे हों, जो हमको रियल में सपोर्ट कर रहे हों, ऐसे लोग भी हमको एकदम झुंझलाहट होने, किसी से बात करने की इच्छा, नफरत वगैरह ऐसा होने लगती है। तो इसको एक स्टेबल होके तटस्थ रूप से इंतजार करें, आगे जाके निश्चित रूप से स्थितियां क्लियर होती है। आवेश में और जल्दबाजी में जीवन की जो एक गति है वो गड़बड़ होती है। तो विशिष्ट जब अवसर हो, जब हमारा जीवन फिर रिक्रिएट हो रहा हो, फिर से कुछ नया बन रहा हो, उस समय बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, एक नया निर्माण शुरू हो रहा है, तो उस समय बहुत धैर्य से वो अंदर से सपोर्ट भी करता है और बाहर से मारता भी है। परमात्मा भी ऐसा ही है, हमारे को बाहर से वो हमारे कष्ट दे रहा, परेशानी आ रही वगैरह, लेकिन अंदर से वो उसका सपोर्ट भी रहता है। उस सपोर्ट को हम पहचाने, और निश्चित रूप से हम यदि सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, तो उसको हम पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और संवेदनशीलता यदि हमारी कम होती है तो हमको सिर्फ बाहरी कष्ट दिखता है, और हम हाहाकार करने लगते हैं, जीवन से भागने लगते हैं, नेगेटिव स्टेप्स लेने लगते हैं। बहुत से लोग सुसाइडिंग स्टेज में भी चले जाते हैं। तो वो नहीं, परमात्मा जो हमको अंदर से सपोर्ट कर रहा है, उसको भी महसूस करें, तो जीवन आने वाला बहुत ही शानदार रहता है, बहुत प्यारा रहता है। इसको महसूस करें, परमात्मा परेशानियां कष्ट उन्हीं को देता है जो सहन कर सकते हैं, परीक्षा उन्हीं की होती है जो सहन कर सकते हैं। और विशिष्ट और कठिनाई में परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। हर हर महादेव। महसूस करें इसको। सर्दी स्टार्ट होने वाली है, और सर्दी की मॉर्निंग भी बड़ी प्यारी होती है, रात थोड़ी सर्द होती है। ये मेरी छत से नज़ारा, ये पर्वत मुझे महादेव का कैलाश लगता है, मेरे लिए ये कैलाश ही है, मुझे भोले बाबा से अत्यंत प्रीति है। लगभग 1 घंटे पहले मैं उठा था, साफ सफाई वगैरह की, उठते ही पहले चाय पीता था, धीरे धीरे अब थोड़ा
वो कर रहा हूँ। और ये मेरा एक्सरसाइज का है, अभी मैं 15-20 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा यहाँ पे। शरीर के स्वास्थ्य को बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए व्यक्ति को प्रयास करते रहने चाहिए। हाँ गाइस, अभी मैं कानपुर उत्तर प्रदेश गया था, 10 दिन में ही 2 बार जाना पड़ा मेरे को। पहले गया, फिर वहाँ से आया तो मेरे नर्मदेश्वर में भूल गया था, फिर जाना पड़ा। तो अभी जब मैं आया हूँ तो पता नहीं क्या बॉडी का एकदम से लीवर जैसे डैमेज ही हो गया हो, और किडनियाँ वगैरह और पूरे बॉडी में एकदम पता नहीं क्या। एक तो वो ट्रेनों में भी बड़े मेरी कुछ भी आए तो उसको खाने पीने की बड़ी आदत है, तो फूड पॉइजनिंग हुआ या कुछ और किन्हीं कारणों से बहुत ज़्यादा पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा तनाव में रहा तो उस वजह से है या पता नहीं क्या। तो खैर जो भी स्थिति है तो ईश्वर हमारे ऊपर हमारे कर्म या प्रारब्ध कटवा रहा हो उसी वजह से होती है। तो हमारे को तो उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिश होनी चाहिए। और प्रकृति इसमें कोई भी जीवन में आपके भयंकर स्वास्थ्य संकट मानसिक या शारीरिक हो तो सबसे बड़ी उसमें सहायक होती प्रकृति। प्रकृति सबसे बड़ी माँ है। आप जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, प्रसन्न रहें, अच्छा खाएं पिएं, जड़ी बूटियाँ भी हैं उनका यूज़ करें बहुत कुछ, तो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। बस जो कुछ अशुभ घट गया हो जीवन में थोड़ा उसको परे कर दें, और शुभ का जो प्रवाह हो रहा है प्रकृति की तरफ से, भगवान सूर्य देवता की तरफ से, तो उसको ग्रहण करें। और सब कुछ जो भी परमात्मा हमारे को बुरी से बुरी स्थिति बीमारी वगैरह कुछ भी देती है तो उसका इलाज उपलब्ध होता तभी परमात्मा देता है। समस्या बाद में आती है, समाधान पहले से होता है। तो सबके लिए सर्वसुलभ उपलब्ध है, उस पर ध्यान नहीं दे कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, वो उचित नहीं है। तो पॉजिटिव बने, प्रकृति की शरण में जाएं, सब ठीक होगा। जय हिंद।